नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 9 में। हम अभी डेहरी में मौजूद हैं। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, कोई इनका चेहरा जो है डेहरी में पहचान की मोहताज नहीं है। वार्ड नंबर 23 से इनकी भाभी सरोही खातून चुनाव जीत चुकी है 46 वोटों से। कुछ बात करेंगे, हम लोगों ने चुनाव से पहले भी इनका खबर दिखाया था। अब चुनाव जीतने के बाद बात करेंगे कि अब तो जीत गए हैं, अब किस तरीके से डेहरी में काम हो। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। सबसे पहले आपको बधाई कि आप दोबारा फिर मेरे घर पे आए, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 23 से अब चुनाव जीत चुके हैं 46 वोटों से। सबसे पहले जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड 23 की तमाम जनता का मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया और दिल से प्यार किया और दिल से वोटिंग किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। जिस तरीके से चुनाव से पहले आपने बहुत से कामों को गिनाया था कि अगर हम जीत जाएंगे इस तरीके की काम होगी, तो अब तो आप जीत गए हैं, कल ही गिनती हुआ था, अब उस काम को लेकर किस तरीके से आप सजग रहेंगे फील्ड में? मैं अपने काम पर अडिग हूँ और जैसे ही हमारा सदन शुरू हो जाएगा नगर परिषद में, और मैं हर एक एक काम को अपने वार्ड में करना शुरू कर दूंगा और बेहतरीन तरीके से काम करूंगा। और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जो महिलाएं मेरे घर पे नहीं आ सकती हैं, उनके मैं घर पे जाऊंगा, उनके घर के सारा जो अगर डॉक्यूमेंट साइन करके दे रहा हूँ उनके घर पे दूंगा और उनको उनके घर तक मैं अपनी योजना को पहुँचाऊँगा। आपसे खास करके वार्ड नंबर 23 के युवाओं को काफ़ी उम्मीद थी, जिस तरीके से आपने कहा था कि जितने के बाद लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएंगे युवाओं को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, उस पर क्या कहें? मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक महीने के अंदर में मैं लाइब्रेरी खोल दूंगा और बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था करा दूंगा। जहाँ तक सीसीटीवी कैमरे की बात है, अनेकों घटनाएं होती है, सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से कुछ नहीं पता चल पाता है। आपने बोला था कि सीसीटीवी कैमरा भी लगाऊंगा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल लगवाऊंगा, उसका भी मैं फंड कोशिश करूंगा, फंड आ जाए और मैं सीसीटीवी कैमरा जो है जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जिस मोड़ पर ज़रूरत होगी मैं वहाँ लगवाऊंगा। जिस तरीके से वार्ड नंबर 23 में गली नली की समस्या है, जगह जगह बरसात के समय में जल जमाव हो जाता है, उसको लेकर क्या कहें? सबसे पहले मेरा फोकस उसी पे रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी तो लगा है, नाली तो बना है, निकलने का रास्ता नहीं है, तो मैं उसको पहले क्लियर कराऊंगा कि ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा असुविधा ना हो और उनका निराकरण। जिस तरीके से वार्ड नंबर 23 में आपका मुकाबला कांटे का रहा, क्या आपको उम्मीद था कि कांटे के मुकाबले में हम जीतेंगे? उम्मीद तो पूरी थी, लेकिन देखिए चुनाव होता है तो थोड़ी सी अंदर से तो ये असुविधा लगी रहती है कि पता नहीं हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से लोगों ने मुझे प्यार दिया है मैं उनका बहुत आभारी हूँ।